जब भी बिजनेस नेम डिसाइड करना हो, कंपनी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें और हमें नाम डिसाइड करना है, ऐसा नाम जो हमें बिजनेस को, हमारे बिजनेस को आगे लेके जाए, ग्रोथ की तरफ लेके जाए, उसमें हमारे टर्नओवर बढ़े, हमें प्रॉफिट्स बढ़े, स्मूथ रनिंग हो और जितनी हमारी भाग्य में हम लेके आए हैं उसका पोटेंशियल मिले या हमारे जो पार्टनर्स हैं उसका पोटेंशियल मिले। जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्यों उसका है ना पार्टनर के कारण जो उसको बेनिफिट मिल गया। तो हमारे बिजनेस में भी क्या वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, क्या वो अपना पार्टनरशिप कंसर्न है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसकी इनकॉर्पोरेशन कैसी है, तो कितने लोग उसमें जुड़ गए। तो अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जितने पार्टनर हैं उन सबका भी उसमें योगदान होता है, उनका सबका भी भाग्य जुड़ता है उसमें। पर अगर प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं या इन जनरल किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो हम उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी कह रहे हैं। जो MNCs होती हैं, बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें जो व्यक्ति आपके पास जिसको मेन उसका डायरेक्ट बेनिफिट होना है उस कंट्री में या उस रीजन में, और जो आपसे बोलता है कि मेरी कंपनी का नेम करना है कुछ भी या प्रोडक्ट का नेम करना है, सो वी कंसिडर दैट एज डायरेक्ट बेनिफिशियरी, वो है उसका बेनिफिशियरी। ठीक है, मालिक जो है वो तो है ही, लेकिन वो मालिक को तो कई बार पता ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जिनकी बड़ी बड़ी 10-10, 15-15 कंपनियां चल रही हैं और उनको एक उनके SBUs होते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होते हैं, कहीं पर उनकी बैंक की चेन के मालिक हैं, कहीं पर एक फूड की पूरी रिटेल आउटलेट्स खुले हैं उनके भी मालिक हैं, वो एक ही आदमी कई सारे बिजनेस चला रहा है, कहीं पर उनके मोबाइल फ़ोन्स के बड़े सारे उनके आउटलेट्स हैं। तो मैं ऐसे कुछ लोगों के संपर्क में आया, हांगकांग जाना हुआ मेरा, जहाँ पे वो सैमसंग के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो पूरा एक चेन है उनके, 27 कंट्रीज़ में उनके ऑफिसेज हैं और उनका अलग से एक पूरी लाइन ऑफ बिजनेस अलग है, एक टिम्बर की पूरी फैक्ट्री है जो पूरा टिम्बर बनाने का काम है पूरा, ऐसे अलग अलग बिजनेस यूनिट्स होते हैं। तो हमें उस केस में जो इंडिविजुअल यूनिट का जो ओनर होगा, इंडिविजुअल यूनिट जो हैंडल कर रहा होगा, उसके नंबर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास तो वही अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट है इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करने जा रहे हैं, जो बिजनेस किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं। ठीक है, वो इंडस्ट्री के नॉर्मल ट्रेंड्स क्या हैं, वहाँ पे किस किस्म का माल बिकता है, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे सक्सेसफुल रही, आपको वो एनालाइज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा बैक अपनी वर्किंग करनी चाहिए। दूसरा है लुक, फील एंड परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट जो है उसकी फील एंड परसेप्शन क्या है। ठीक, वो कैसी वाइब्रेशन एमिट करता है, वो प्रोडक्ट क्या आपकी कौन सी सेंसेस को टच करता है, आपको क्या फील देता है। और तीसरा है बेनिफिशियरी के लकी नंबर।